आज कायस्थ विकास परिषद की ओर से संकल्प स्वपरिचय और युवा कमेटी के गठन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के युवा भारी मात्रा में सम्मिलित हुए और सभी ने जय चित्रांश के उद्घोष के साथ समाज को एकजुट करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्था के जिलाध्यक्ष लाला सुनील श्रीवास्तव ने युवाओं को संगठित होने का मंत्र दिया। जी बताएं आज क्या कार्यक्रम हुआ। और आज कायस्थ विकास परिषद झांसी की तरफ से युवा कार्यकारिणी का प्रोग्राम रखा गया था गठन का, जिसमें हमने जिला अध्यक्ष श्री पवन खरे और कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष हमने बनाए हुए हैं मिस्टर ऋषभ श्रीवास्तव और हमारे महासचिव जिला युवा कार्यकारिणी के कौशल खरे जी को बनाया हुआ है और ये लोग मिलकर समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, समाज में एकता लाएंगे, समाज में उपजाति बंधन हम लोगों को समाप्त करना है, हम समाज की उपजाति बंधन को समाप्त करेंगे, दहेज प्रथा खत्म करने में युवाओं का विशेष रोल रहेगा, जिसमें इन लोगों का विशेष योगदान ये होगा कि ये वहां शादी नहीं करेंगे जहां माता पिता दहेज की अगर डिमांड करते हैं तो, दहेज प्रथा बिल्कुल समाप्ति की ओर हमको ले जाना है। हम लोगों का कार्य रहेगा कि जिस एरिया में मंदिर नहीं है या मंदिर चित्रगुप्त पर अधिक्रमण कर लिया गया है वो हम लोग मुक्त कराएंगे और हम कायस्थों के लिए न केवल पूजा के लिए करेंगे कि दो इसको पूजा कर लेते हैं, बाकी और भी कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाए और गरीब छात्रों को वो राशि वार्षिक दी जाए जिससे कि उनकी पढ़ाई आगे जारी रहे। और इसी क्रम में ऋषभ श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष, कौशल खरे को महासचिव और बुंदेलखंड टुडे न्यूज चैनल के चीफ एडिटर दीपक श्रीवास्तव को मीडिया प्रभारी का दायित्व प्रदान किया गया। आज कायस्थ विकास परिषद की युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया है, इसमें कौशल खरे को महासचिव बनाया गया, जिला महासचिव बनाया गया है, दीपक श्रीवास्तव जी को मीडिया प्रभारी और ऋषभ श्रीवास्तव जी को उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। नव निर्वाचित महासचिव कौशल खरे ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कायस्थ समाज बिखरी हुई है तो सर्वप्रथम हमें समाज के प्रत्येक घर में जाकर एकजुटता के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि एक संगठित समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करती है। जिला महासचिव बना गया है तो आपके अब आगे पार्टी के लिए क्या उद्देश्य रहेंगे और समाज के लिए आपके क्या उद्देश्य? जैसे कि हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं यहाँ से लाला सुनील श्रीवास्तव जी, उनके तत्वाधान में हम लोग भैया पवन खरे जी के संग मिलकर झांसी में यूथ की जो कार्यकारिणी आज गठित की गई है, जिसमें हमारे मित्र दीपक श्रीवास्तव जी को मीडिया प्रभारी बनाया गया और हमारे और भी मित्र हैं जिनको इसमें आज छोड़ा गया है। तो पहले तो हम लोग अपने पार्टी के लोगों को मतलब अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे कि हम लोग पढ़ाई शिक्षा से लेके गरीबों के लिए जो भी हमसे हेल्प बनेगा हम लोग आगे ले आएंगे करेंगे। ऋषभ जी आप क्या कहें? मैं ये बोलना चाहूँगा हम लोग आपसी में लड़ते रहते हैं कि हम लोगों की अब ये टाइम आ गया, हम लोग एक साथ खड़े हों, एक आवाज बने और एक झांसी का नहीं ऑल ओवर सब जगह का नाम रोशन करें, क्योंकि हम लोग आपस में लग रहा था ये ऐसा रहता है एंड देन झांसी में मंदिर भी नहीं है हमारे भगवान का, हम लोगों को कोशिश करनी है जल्द से जल्द हम लोग आपस में एक स्ट्रांग हो, एक कमेटी बनाए और जो सारी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम खत्म करें। मेरा यही कहना है आप सब लोगों से, मैं चाहता हूँ जो हमारे युवा माताएं बहने हैं समाज के लोग भटक रहे हैं वो एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाएं और एकजुट रहें। जय चित्रांश। इस दौरान कार्यक्रम में संस्था के युवा जिलाध्यक्ष पवन खरे के साथ अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। संतोष झा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।